सरकुल योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। मालेगांव शहर में 21,684 कॉलोनियां बननी थी, गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चों का खेल कूद का गार्डन, तमाम सुविधाएं के साथ, हद तक कि जब आप झोपड़पट्टी धारक को उठा के वहां शिफ्ट करोगे तो वहां पे उन झोपड़पट्टी वालों को जाने के लिए महानगर पालिका उन लोगों को वाटर पंप, लाइट, पंखा अपनी तरफ से लगा के दे। बहरहाल आज घरकुल की क्या हालत है वो आप लोगों के सामने। हमने 12 माननीय कमिश्नर जी को, पुलिस इंतजामिया को निवेदन दिया, हमने ऊपर तक यहां किल्ला पुलिस स्टेशन में उसकी FIR करवाई, उसी FIR की कॉपी को हमने महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र पुलिस संचालक तक पहुंचाई। वही कंप्लेंट सर हमने भारत सरकार, सर्व जमहूरिया पद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ED, CBI, अमित शाह, हमने सबको ये मालूमात दी कि मालेगांव शहर में जो सरकार ने 458 करोड़ रुपया भेजा था 21,000 कॉलोनियों के लिए, इन लोगों ने उसमें तकरीबन 150 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। और आज पेपर पे साबित हो गया, इसमें माननीय कमिश्नर आर्बिट्रेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और ठेकेदार के बीच में, कि कभी भी कुछ भी मसला हो तो इस मसले का हल कमिश्नर साहब को निकालना है। लेकिन कमिश्नर साहब भी इसके अंदर अनदेखी कर रहे हैं, इन तमाम चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप मीडिया के जरिए आवाम तक बताना चाहूंगा कि मालेगांव शहर में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के संजय रावत जी जो मालेगांव आए थे, हमने ये निवेदन उन्हें भी दिया था और उन्होंने इस निवेदन के ऊपर कॉलिंग लेटर लगा करके श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र पुलिस संचालक को दिया कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है, इसके ऊपर ED की कार्रवाई होना चाहिए। हमने जो लेटर महाराष्ट्र सरकार को दिया था, सॉरी भारत सरकार को जो दिया था, ये गवर्नमेंट ऑफ हाउसिंग बोर्ड मिनिस्ट्री की तरफ से महाराष्ट्र के को हुक्मनामा जारी किया गया कि ये इसके अंदर बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी हुई है और तुरंत इसकी कार्रवाई की जाए और जो लोग दोषी हैं उन लोगों को फौरी सजा दी जाए। मालेगांव आवामी पार्टी के ताल्लुक से लिखा गया कि अगर जो ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप हमसे राब्ता कायम करिए, हम दोबारा आपका इस मुद्दे पे इंक्वायरी बिठाएंगे। अब मालेगांव शहर की आवाम परेशान है कि क्या होगा। मालेगांव शहर के मौजूदा MLA साहब, जिनको अल्लाह ने दूसरी टर्म में MLA बनाया है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? इतना सारी बदगुमानी सामने, भ्रष्टाचारी पेपर तो उनके पेपर पे है। मैं आप मीडिया वालों को बता दूं कि एक भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये लोग मेरे खिलाफ FIR कर सकते, मेरे ऊपर कंप्लेन कर सकते, अगर जो मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं तो ये टोटल सारी बातें ये उनके पेपर में से निकाली हुई हमारे निवेदन पे हमने ये साबित किया है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। इनके पेपर में से ये महानगर पालिका का जो एग्रीमेंट है
पंडे नामी शख्स जो ठेकेदार था, 11,000 कॉलोनी का, वो 11,000 कॉलोनी नहीं है सर, वो 21,684 कॉलोनी है, उसमें भी आवाम की आंख में धूल झोंकी गई है। तो अब सोचने की बात यह है कि मौजूदा आमदार साहब सड़क गटर के फंड के पीछे परेशान है, क्या आपको अल्लाह ने ताकत दी है आप इन्हें हथकड़ी नहीं लगवा सकते हो? आप ओहदे पे हो, इख्तियार में बैठे हो, आप इन्हें हथकड़ी लगवा सकते हो, इस पे आवाज क्यों नहीं उठाते, इस पे मुंह क्यों नहीं खुलता? शहरियान का और रिजवान बैटरी वाले का ये सवाल है, क्या हमारे मौजूदा एमएलए साहब मोमरा कांड का इंतजार कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग मोमरा में गिरी थी 266 लोग मौत के मुंह में चले गए थे, यहां जब हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे तब आप सड़कों पे आओगे क्या? ये शहरियान का सवाल है। हमारे सारिक एमएलए साहब बड़ी जोर और शोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, 2 क्लास ज्यादा पढ़ लिए हैं, हिंदी के कुछ ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं कि उनको खुद को भी नहीं समझता है कि मैंने क्या बोल दिया। सर, मालेगांव शहर की अंडरग्राउंड डेरिस गटर को लेकर के जो 500 करोड़ रुपए का फंड है, सारे भूखे भेड़िए उस फंड के ऊपर अपनी वॉचिंग रखे हुए हैं, मुझे कितना मिले, मुझे कितना मिले। अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, टेंडर निकला नहीं है। हमारे माजी एमएलए साहब 100 करोड़ की बदनवानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ईडी जाऊंगा, सरकार तक जाऊंगा। अबे भैया, ये तो ईडी अभी इनके ऊपर बैठने वाली है, यहाँ पेपर पे पैसा गायब हो गायब होगा, यहाँ तो सबूत है। क्या घरकुल पे आपकी आवाज नहीं निकलती है? मैं आप मीडिया वालों के जरिए पूछना चाहता हूं, माजी एमएलए साहब, आप और आपके घर वाले इसमें शामिल तो नहीं है? सब है, क्यों नहीं आवाज उठ रही है आप लोगों की? ये दोनों के दोनों रिडवान शहर को बेवकूफ बना रहे हैं। आज आप देख रहे हैं घर पट्टी को लेकर के आप ही लोगों के जरिए रिपोर्ट आ रही है कि 10% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो क्या माजी एमएलए साहब आपको मालूम नहीं है कि उसका ठेकेदार कौन है? और इल्लीगल तरीके से ये घर पट्टी आई है, शहर के मौजूदा एमएलए को नहीं मालूम है क्या कि ये इल्लीगल तरीके से घर पट्टी बांटी गई है? इसमें कमिश्नर चोर है, शहर का एमएलए चोर है, शहर का माजी एमएलए चोर है, आप सब चोर, तुम जिम्मेदार। क्यों इल्लीगल तरीके से ये घर पट्टी बांटी गई है? किसने बढ़ाई ये बिल और कौन है ठेकेदार इसका? ईडी के पास जाने वाले मेरा आपसे सवाल है, मालेगांव वालों को तो निपट ले फिर जाना ईडी से बात करने के लिए। हम आप मीडिया के जरिए आवाम से कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को घर पट्टी नई घर पट्टी आप तक आई है, जितनी भी बढ़ के आई है, वो घर पट्टी और आपकी पुरानी घर पट्टी गए साल की घर पट्टी एक एक जॉक्स लेके हमारे पास आइए। 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह आपकी जो पुरानी घर पट्टी थी वही घर पट्टी आएगी और ठेकेदार जेल की शराबों के पीछे जाएगा।